देसी छौका देसी स्वाद सबसे बा अलगे अंदाजी है देसी तड़का दिम घर का तड़का। नमस्कार आदाब, महुआ देख रहल तमाम दर्शकन के बहुत बहुत स्वागत बा आपन पसंदीदा शो विम घर का तड़का में। कहल जाला कि जिंदगी के सफर कभी न रुकेला और हमनी के शो विम घर का तड़का के सफर भी जिंदगी के तरह आगे बढ़ रहल बा। उत्तर प्रदेश बिहार और झारखंड के एक शहर से दूसरा शहर होखत हमनी के पारंपरिक और ठेठ व्यंजन के तलाश में लगातार आगे बढ़ रहल बानी और हमारी तलाश आज हमरा के ले आयल बा वाराणसी। और हमरा साथ बाड़ी वाराणसी के पहाड़िया के विभा पांडे जी। विभा जी बहुत बहुत स्वागत बा विम घर का तड़का में। धन्यवाद। ये बताएं खुशी लाग रहल बा वो हमनी के एसएमएस कहनी और हमनी के आ गई नी। बहुत अच्छा लाग रहल बा जेके के शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकत हूं। बिल्कुल हमनी के आ गई नी। हां काहे कि पारंपरिक और ठेठ व्यंजन के ही हमनी के तलाश है का और सोच बा। आजकल के खान पान काफी बदल रहल बा। स्वास्थ्यवर्धक के बनावे खातिर के पारंपरिक खाना के भी बीच बीच में तड़का देवल जाला तो अच्छा लगेगा। बिल्कुल बहुत बढ़िया रहा और कोशिश बा। और उनकर दोस्त नीरज सिंह भी हमने के साथ बाड़ी। नीरज सिंह जी स्वागत है आपका। धन्यवाद। कुछ बताइए अपनी सहेली के बारे में। अब इनके हाथ का तो हम क्या बताएं, गजब का स्वाद है। और यही नहीं है, हर स्टेट का इनसे चाहे जिस स्टेट का बनवाना चाहे ये कुछ भी बना लेती है। विभा जी रोवा के बताएं कि हमने सबसे पहले हमने के जो गृहिणी बाड़ी जो आज के शेफ बाड़ी उनकर घर गृहस्थी देखी ली तो का रोवा एकदम तैयार बानी अपन किचन दिखावे खाते। बिल्कुल चलो तो चले जाओ। आई अभिलाषा जी देखिए यही हमारा आशियाना। बिल्कुल आशियाना बहुत सुंदर लाग रहल बा। कुछ बताइए अपन परिवार के बारे में के बा घर में। सास ससुर बाड़न देवर देवरानी बाड़ी हम पति पत्नी और एक हमारे बच्चा बा। जी संयुक्त परिवार में तो भाई रसोई में काम बढ़ जाला। किस तरह से रोवा निपटेली पूरा दिन के का दिनचर्या रहेला। सुबह से सबसे पहले तो वही बच्चा के भेजल स्कूल भेजल फिर बाद अधिक समय बीतेला तो किचन में ही। बिल्कुल सही कह नी। सबसे ज्यादा राउर समय जहाँ पर बीतेला हुआ तो हम जरूर जाए। चली तो चली राउर किचन में के देखी आई। अभिलाषा जी यही बा हमार किचन। जी हाँ राउर किचन तो देख रहल बानी और सब जरूरी के सामान जोन बा चाहे वो बर्तन हो चाहे खाए पिए के चीज या फिर मसाले सब कुछ एकदम सुविधा के अनुसार सामने ही रखल बा। और क्या बात है हरी सब्जी मतलब एगो गृहिणी के जोन कोशिश रहेला कि ज्यादा से ज्यादा पौष्टिक तत्व अपना पूरा परिवार के खाना के जरिए दिहल जाओ वो कोशिश जोन बा वो यहाँ दिख रहल बा। और काहे कि साथ में नींबू बा तो हम तो एकदम मान जाए कि रोवा खूब स्वाद के भी ध्यान रखेली और साथ साथ सेहत के भी ध्यान रखेली। काहे कि नींबू में बहुत ही गुण होला जानी ला ना। नींबू में होला विटामिन सी और ये नींबू के गुण बा विम में जो उनके बर्तन के चमकावेला चकाचक। विभा जी राउर किचन के हम 100 में से 70% मार्क्स दे रहल बानी। 30% राउर कुकिंग खाते जो उनके देखल जाए हमनी के किचन यानी के विम घर का तड़का के किचन में। विभा जी तैयार बानी रोवा। बिल्कुल चली विभा जी चली। स्वागत बा विम घर का तड़का के किचन में। विभा जी के लेके हमनी के आगन बानी हमनी के किचन में और शुरुआत होई पहला सेगमेंट यानी के देसी छौका के साथ। विभा जी रोवा एकदम कॉन्फिडेंट बानी। एकदम बिल्कुल तैयार दर्शक लोग के अपन हाथ के जादू दिखावे खाते। तैयार बानी बनावे खाती धुसका। धुसका जोन बा बहुत ही पारंपरिक एगो डिश बा। थोड़ा सा बताएं धुसका के बारे में केकरा से रोवा सीखनी और कितना पसंद कर जाला एकरा। दरअसल ये हमार बहुत पहले हमार नानी बनावत रही।
नानी से माँ बनैली आ माँ से अब एगो पीढ़ी दर पीढ़ी तब हम लड़की रहनी आ तो हमें तो सीखनी के पड़ी। जब हम अइनी सीखनी तब हमरे ससुराल में भी भाई पूछे लागल कि का होला तो हम कनी धुसका ही हमनी के जिला में बनेला। तो ससुराल में भी अब लोग धुसका के खूब पसंद करेंगे। धुसका के बहुत चाव से लोग खाला लोग। चलिए विभा जी सबसे पहले बता दी कि का का सामग्री की जरूरत पड़ी धुसका बनावे खातिर। सबसे पहले तो चावल के 4-6 घंटा पहले फुलावल जाला। यदि 4 लोग के बनावे के बा तो 3 कटोरी चावल में 1.5 कटोरी चना के दाल रही, फिर 25 ग्राम हरी मिर्चा रही जो कि छोटा छोटा दम काट के चॉप कट में काटल रही, अदरक जो बा वो तनी दरदरा जिसे या तो क्रश कर दी घिस दी। हम अपनी सुविधा के अनुसार निकाल के रख दिले बानी। ये एवरेस्ट काली मिर्च के पाउडर है वो 10 ग्राम रही, एवरेस्ट पाउडर जो बा जीरा के वो 10 ग्राम रही, नमक जो बा स्वाद अनुसार रही, और फिर ओका बाद धनिया पत्ती रही, ओका बाद छाने खाती जो हम यूज करब वो रिफाइंड तेल रही। अच्छा तो बहुत ही कम सामान में धुसका बनेला और इतना तो समझ में आ गई बा कि एकरा के छानल खाइल जाला। जी, जी। छनी बढ़िया से डीप फ्राई हो। डीप फ्राई तो कैसे एकरा के बनावल जाए पहले तो रउवा बता देनी कि चावल और चना के हमने के भिगोवे के बाद ओकरा बाद जितना ये सब सामग्री रहे मिला के मिक्सी में पीस के ये हमार जो मिश्रण जो तैयार बा एजा रख ले बानी हम। अच्छा तो ये पीसल बा जी चावल और दाल पेस्ट जो पीसल बा अब एकरा में हम मसाला मिलाओ तनी देखी रउवा। ये एवरेस्ट काली मिर्च पाउडर है जेकरा के घोल में हम 1/2 चम्मच मिलावे के बा। काली मिर्च पाउडर टेस्ट में बेस्ट एवरेस्ट। एवरेस्ट के जीरा पाउडर ओकरा भी 1/2 चम्मच डाले के बा। जीरा टेस्ट में बेस्ट एवरेस्ट। फिर नमक जो बा उस स्वाद अनुसार डाले के बा। अदरक बा ग्रेट करके हम निकाल रख ले बानी ओकरा फिर मिलाए के बा। और मिर्चा जो बा वो चॉप कट ही काटे तो ज्यादा बढ़िया रहेला एकरा मिलाए के बा। फिर वो धनिया पत्ती जो काटल बा ओकरा मिलाए के बा। फिर ओकर बाद फेटे के बाद थनी हल्का सा घुमा के ऐसे ऐसे चला लेनी। फेटे से होला कि मसाला चारों तरफ मिल गई पेस्ट में घोल मिल गई तब बढ़िया हो जाई। ऐसा बा अभिलाषा जी अब ये तो घोल जो बा वो मिल गई बा तो ऐसे गैस जलावे के जी तो ये बिल्कुल तैयार बा। और एकरा के थोड़ा गाढ़ा ही पिसले बानी रहुआ। जी जी एकदम ध्यान से देखी घोल के। ऐसे में अभिलाषा जी कढ़ाई गर्म हो गई बा जी अब तेल डाले के चाहिए। हमने के जो पारंपरिक ढंग बा गांव में लोग सरसों तेल में ही छाने ले जितना भी छनल चीज बनेला सरसों तेल में ही छानल जाला। बाकी रवा रिफाइन के इस्तेमाल कर रहल बानी। रिफाइन के इस्तेमाल कर दे के सरसों तेल भारी होखेला रिफाइंड जो होखेला सो हल्का होखेला हल्का होखेला। अच्छा हम सुन ले बानी कि खाना में भी लोग धुसका परोसे ले दाल चावल के साथ भी का एकरा के खाए जा सकेला। ना ना धुसका दरअसल देसी सब्जी के साथ ही खाए जाला आलू चना के सब्जी के साथ। अगली बार अगर आलू चना के सब्जी रवा बना रहल बानी तो धुसका जरूर ट्राई करी। तेल गरम हो गई बाबी भाजी। ठीक पुआ की तरह हमने के छाने के बाद और साइज भी लगभग वही एक बड़ा चम्मच काफी बा। चावल के जो सबसे अच्छा चीज हमरा के लागेला कि सोंधापन तो एगो रहेला एकदम और करारापन जो होला करारापन होखेला वो चावल में ही होखेला चावल में ही होखेला। कलर आवता ओकर बाद पलट देवे के बाद पलट दे जब लाल हो जाए अरे खुद ब खुद फूले लगे। बहुत बढ़िया महक चावल के और चावल जिसे पकेला तो एगो बहुत बढ़िया महक आवेला ना। दरअसल नया चावल के और भी बढ़िया लागेला तो हम जो हम यूज कैले बानी चावल ही जी नया चावल ही है। अच्छा पहले देखिए एक चीज तो बा कि कोई भी त्योहार जो बा बिहार हो चाहे कोई भी राज्य में हर चीज प्रकृति से जुड़ा हुआ बा। बिल्कुल त्योहार बा जो जी बैसाखी बैसाखी का बा जितना रबी फसल कट गई रबी फसल कटले के बाद वो त्योहार के उत्सव मनावल जाला। जी यानी कि जैसे ही धान कटेला और नया चावल घर में आ जाला तो धुसका के जरूर बनावल जाला। जरूर बनावल रउवा लोग जल्दी से देख ली कि धुसका बनावे खातिर का का सामग्री की जरूरत पड़ेला और एकरा के कैसे बनावल जाला। देखी भीजल चावल और चना दाल के पीस ली, पीसल मिश्रण में काले मिर्च पाउडर जीरा पाउडर नमक स्वाद अनुसार घिसल अदरक हरी मिर्च धनिया पत्ती ये सब मिला के फेंट ली। एक कढ़ाई में तेल डाली उसमें चम्मच से मिश्रण के डाल के डीप फ्राई कर ली और सर्व करी। धुसका के जो महक बा एकदम पूरा घर के अपना ओर खींच ली कि भाई का बनल बा हमरो दी। ये धुसका के सबसे कमाल की बात ये बा कि एकर रंग और महक और स्वाद तो बाद में हमनी के लिहल जाए
बाके हमनी के सिलसिला जोन बा स्वाद के अभी आगे बढ़ा रहल बानी, एगो छोट सा ब्रेक ले रहल बानी। ब्रेक के बाद होई हमनी के सेगमेंट किचन क्वीन की पसंद, जोना में विभाजी हमनी के आज की क्वीन बनाइए आपन पसंद के एगो डिश। और रुका बा उनके से पूछल जाओ, विभाजी का बनाए? आलू का हलवा बनाए। हलवा वो भी आलू के? तो दिल थाम के बैठी हमनी के फौरन हाजिर हो रहल बानी एगो छोट सा ब्रेक के बाद। रुवा लोग देखत रही विम, घर का तड़का ये है देसी तड़का।